हेलो भाई, वेलकम वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो बहुत छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन आज का वीडियो, बहुत छोटा सा होने वाला है, ब्रीफ डिस्कशन होने वाला है। तो हमारा जो पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ही वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 के तहत ही इन्होंने मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था इनको, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो बिफोर इन द डेजिग्नेशन गिवन वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ले आया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। WARREN HESTINGS। ठीक है। तो ही कैरीड आउट सोशल रिफॉर्म्स लाइक प्रोहिबिशन ऑफ सती। सती मतलब जब पति मर जाते थे तो आग में पत्नी को भी धकेल लिया जाता था, उसको पति कहते थे। तो ये बहुत ही फालतू प्रैक्टिस किया जाता था सोशल। एक तरफ से ये समाज में एक काला दाग था जो इन्होंने हटाया, प्रोविजन ऑफ सती 1839। तो आज भी बहुत कई 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 मतलब कई कई जगह प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में। न्यूज नहीं आती है तो पता नहीं चलता है, यही बात है। और क्या, एलिमिनेशन ऑफ थग्स मतलब डाकू गुंडा ये सबको भी एलिमिनेट किया गया था 1830। ठीक है। वीर मूवी आप लोग देखे हो ना, तो वीर मूवी टाइप वो जो डाकू नहीं होते, तो सलमान खान ये सब डाकू का जो रोल करते हैं वैसे ही टाइप। एलिमिनेशन ऑफ थग्स 1830 में किया था। और मकलेस रिकमेंडेशन, इंग्लिश वॉज मेड द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। अब देखो, हायर एजुकेशन में इंग्लिश लाया गया। ठीक है। इंग्लिश एक तरफ से ग्लोबल लैंग्वेज भी है, तो पहले से चला आया है, इसलिए आज इंग्लिश का इतना दबदबा है। ठीक है। ही सप्रेस्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब बेटी जन्म लेते ही मार दिया जाता था। आज भी किया जाता है बहुत जगह, अबॉर्शन क्या क्या आजकल नया नाम आ गया, आज भी बहुत जगह किया जाता है, लेकिन न्यूज नहीं आती ना, मैंने फिर जैसे बताया पहले। और चाइल्ड सेक्रीफाइस, चाइल्ड सेक्रीफाइस मतलब बच्चा का वही सेक्रीफाइस, तो आप समझ ही जाओगे। तो ये सब बहुत मतलब यही सब इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो पहला गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हु आर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन अगर आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, आंख मून करके लॉर्ड विलियम बेंटिक टिक कर देना है। ठीक है। तो गाइस 1 मिनट लेंगे हम मैप से थोड़ा समझ लेते हैं। तो मैप से ऐसा ही इंग्लैंड, यहाँ है इंग्लैंड, कहाँ है इंग्लैंड, यहाँ है, हाँ यूके देख रहे हो, यही है। ये भी है थोड़ा सा नॉर्थन आयरलैंड। ठीक है। ऊपर स्कॉटलैंड हो गया, नीचे वेल्स हो गया, यहाँ इंग्लैंड हो गया, ये वेल्स हो गया, इंग्लैंड हो गया। देखो यूके जो है ना, चार हिस्सों में बटा हुआ है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थन आयरलैंड। ठीक है। तो ये इंग्लैंड इतना छोटा कंट्री यहाँ आया था, देखो पूरा यूरोप में दिखा रहा हूँ। अगर कोई बाई सी रूट आना चाहता है आज का डेट में, तो उसे कैसे आना होगा पता है आपको? ऐसे करते करते ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, देखो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, तो यहाँ से आना होगा। अगर किसी को आना है तो इंग्लिश चैनल, अगर लंदन से कोई आना चाहता है तो इंग्लिश चैनल होते होते आज का टाइम का बता रहा हूँ, गिब्राल्टर। ठीक है। गिब्राल्टर होते 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 मेडिटेरियन सी क्रॉस करना होगा। फिर आप मेडिटेरियन से जैसे क्रॉस करोगे तो यहाँ आपको आपको एक स्विस कैनाल मिलेगा। ठीक है। स्विस कैनाल से होते हुए रेड सी आना होगा आपको। ठीक है। फिर रेड सी से होते होते यहाँ से गल्फ ऑफ एडेन होते होते आपको आना होगा कहाँ, इंडिया। तो आप देख सकते हो ये है इंडिया। तो गाइस यहाँ पे एक्चुअली पर्शियन गल्फ है, तो ये इस एरिया को हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट ऑफ बेबल मंडल। ठीक है। तो ये आप जाके नेट पे सर्च कर लेना, ये स्ट्रेट वगैरह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या था, वास्को दा गामा कैसे आया मैं बताता हूँ। वास्को दा गामा यहाँ से आया, यहाँ से घूमते घूमते, यहाँ से घूमते 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 वियर केप ऑफ हेप्टॉन, केप ऑफ हेप्टॉन यहाँ पे ही है, केप ऑफ गुड होप, सॉरी केप ऑफ गुड होप होते हुए ऐसे आया घूमते घूमते। देखो उनको पहले ना यहाँ से अरब जाने नहीं देते थे। ठीक है। लेकिन उन्होंने बहुत लंबा रूल रास्ता लिया, बहुत लंबा रास्ता लेते हुए पहली बार यहाँ पे केरला में कलिकट में पहुंचा, कलिकट में। ठीक है। कोझीकोड को आज के डेट में कलिकट कहते हैं। तो कलिकट में पहुंचा, कलिकट में जो एक जमोरिन राजा नाम था, वो हिंदू रूलर था वहां का, वो वास्को डा गामा को स्वागत किया। उनको यह नहीं पता था कि इसके कारण पूरा इंडिया कितना बड़ा झेलने वाला है। तो इसीलिए मतलब यही मतलब मैं भाषण नहीं दूंगा, पर यही है कि कुछ कोई भी कभी भी कोई काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए आदमी को। तो गाइस मैं थोड़ा आज के डेट आज आपको मैप का ओवरव्यू देता हूँ, ये गाइस आप देख सकते हो।
ये अलास्का है, ये भी अमेरिका का ही है, अमेरिका ने खरीदा था रशिया से, तो ये कनाडा, ऊपर कनाडा हो गया, नीचे हो गया यूएसए, फिर इसके नीचे आ जाओ मेक्सिको, फिर ये हो गया आपका सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे भी एक कैनल है, यहाँ पे भी एक कैनल है, पनामा कैनल, यहाँ पे भी एक पनामा कैनल है। तो ये हो गया आपको साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आप देख लो जितने भी बॉर्डर कंट्री है, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये ब्राजील हो गया, ये अर्जेंटीना, उरुग्वे, साउथ अमेरिका। अच्छा एक सवाल आता है कि कौन सा, मतलब साउथ अमेरिका में दो ऐसा कौन सा कंट्री है जो लैंडलॉक कंट्री है, तो यहाँ पे बोलीविया और पैराग्वे है, ठीक है। तो ये अब देख लो साउथ अमेरिका बढ़िया से। हाँ तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आज के लिए हम यही रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम अफ्रीका देखेंगे। तो सी यू।